नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। बीते शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ साथ उनकी बेटियों और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर, देशभर में कुल 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई थी। ये जो छापेमारी थी वो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को लेकर की गई थी, जिसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी और कहा जा रहा था कि ईडी की इस छापेमारी में क्या मिला है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे लालू समर्थकों के द्वारा कि बेवजह इस छापामारी को कराया जा रहा है, जिसके बाद छापामारी खत्म होने के बाद ईडी ने खुद इस बात की जानकारी दी कि लालू प्रसाद यादव की बेटियों और उनके बेटे के कई जगहों से कुल 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव को समन भी भेजा गया था पूछताछ के लिए, सीबीआई ने समन भेजा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत नासाज है, वो अस्पताल में उस वक्त एडमिट थी, जिस वजह से उन्हें अभी अपनी पत्नी के पास रहना है, वो अभी सीबीआई से पूछताछ के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ईडी की पूछताछ के दौरान उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, उनका बीपी लो हो गया था और खबरें ये भी आई थी कि वो उस दौरान बेहोश हो गई थी। ऐसे में तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर समर्थकों में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है। लगातार इसको लेकर मांग उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर लालू प्रसाद यादव को परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था और ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोलने का काम किया था। ऐसे में अब तेजस्वी यादव ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर अब उनके समर्थक और लालू प्रसाद यादव के समर्थक लगातार आक्रोशित हैं और इसको लेकर तेजस्वी नहीं झुकेगा ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है। आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से ट्विटर पर तेजस्वी नहीं झुकेगा ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग में जाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर तेजस्वी नहीं झुकेगा ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर कई ट्वीट्स किए गए हैं। इस पर जब हम जाएंगे तो देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से समर्थक जो हैं वो तेजस्वी यादव के समर्थन में उतर गए हैं और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ट्वीट की बात करें तो ट्वीट में लिखा है, बिहार में एक एक सीट को तरस जाएगी भाजपा, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, और हैशटैग है तेजस्वी नहीं झुकेगा। यानी कि इसमें साफ साफ ये दर्शाया गया है, ये कहा गया है कि बिहार में भाजपा को एक भी सीट नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है चुनाव को लेकर, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रही है वो बहुत ही गलत है और उन्हें नहीं एक भी सीट बिहार में मिलेगा। आगे चले तो देखिए, हंसराज मीना है, ये भी तेजस्वी नहीं झुकेगा, इन्होंने भी ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ईडी सीबीआई मीडिया के दुरुपयोग से लालू जी के परिवार को प्रताड़ित करके गरीबों और पिछड़ों की आवाज को दबाना चाहती है, अतः शोषित वंचित पिछड़े वर्ग के लोग इस संघी षड्यंत्र का विरोध करें। बीजेपी का झूठ मजबूत होने से पहले समाज अपने नेताओं के साथ खड़े होने सीखिए, तेजस्वी नहीं झुकेगा। यानी कि ट्विटर पर जो है वो तेजस्वी नहीं झुकेगा ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में, लालू प्रसाद यादव के समर्थन में। कई ऐसे ट्वीट्स अब तक किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, संजू बाबा करके कोई ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, उनका ट्वीट है, नो वन कैन इवन टच द लीगसी ऑफ लालू यादव, ही इज मसीहा इन रियल सेंस, तेजस्वी नहीं झुकेगा। यानी कि इन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर ट्वीट किया, इन्होंने कहा है कि कोई भी लालू प्रसाद यादव को छू नहीं सकता है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता है और तेजस्वी नहीं झुकेगा लगातार ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर बीते दिनों तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा था और लिखा था कि याद करिए 2017 में भी कथित 8000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां, अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। यानी कि उन्होंने 2017 की बात की और कहा है उस वक्त भी तो 8000 करोड़ रुपए का घोटाले की बात सामने आई थी, उसका पहले हिसाब दे देते तो अभी नए की बात लाते। इसको लेकर लगातार ये भी मांग उठ रही है कि वो सीजर लिस्ट दिखाया जाए जो ईडी दावा कर रही है कि उन्हें मिला है। ऐसे में आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम का जो मामला है, ये नौकरी के बदले जमीन का मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मसा भारती, उनकी पत्नी रावड़ी देवी के साथ साथ 14 लोगों के खिलाफ समन जारी किया गया है और 15 मार्च को कोर्ट में पेशी भी होनी है। तेजस्वी यादव भी इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी समन जारी किया गया है और उनसे भी पूछताछ की जानी है।
इस खबर में इतना ही, बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवीटीवी के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।